राखी और गुलजार भले ही अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जोड़ी है जो अलग होकर भी अलग हो नहीं पाई। गुलजार ने कभी भी राखी से तलाक नहीं लिया। राखी की उम्र देश के इतने ही है। 15 अगस्त 1947 को राखी का जन्म हुआ। राखी और गुलजार साथ साथ ही फिल्मों में आए, लेकिन राखी ने फेमस जल्दी पाया और गुलजार का नाम उस वक्त तक चल नहीं रहा था। ऐसे में गुलजार को जलन हो रही थी राखी से। गुलजार और राखी दोनों ही दिल से कविताएं लिखते थे, यही उनके मतभेदों का कारण भी बना। बताया जाता है कि जब राखी ने यशराज बैनर की एक के बाद एक फिल्में की और उनकी फिल्म कभी कभी हिट रही तो गुलजार उनसे जलने लगे थे। जब गुलजार ने खुद को राखी से अलग कर लिया तो डिप्रेशन में आकर राखी ने अल्कोहल और ड्रग्स लेना शुरू कर लिया। इन सब के बाद राखी ने मुंबई के पास अकेले रहना शुरू कर दिया और गुलजार से लगातार उनकी दूरी बनती गई। राखी और गुलजार दोनों ही कवि थे। जल्द इनके बीच रचनात्मक मतभेद भी होने शुरू हो गए। दोनों के बीच मनमुटाव उस समय शुरू हुआ जब गुलजार ने अपनी फिल्म मौसम में राखी को साइन ना करके उनकी प्रतिद्वंदी शर्मिला टैगोर को साइन कर लिया। राखी ने पहली शादी 1963 में अजय विश्वास से की थी, लेकिन ये सफल नहीं रही। 2 साल बाद इनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 1973 में गीतकार गुलजार से शादी की। उस वक्त दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में नए थे। राखी और गुलजार ने न कभी तलाक लिया और न ही दोनों के जीवन में कोई दूसरा आया, फिर भी दशकों से दोनों अलग रह रहे हैं। इसी साल होली पर दोनों ने साथ मिलकर इस त्योहार को मनाया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।